हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ। बहुत दिनों से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया अपना सेटअप टूर दिखाओ, सेटअप टूर दिखाओ। तो एक्चुअली सेटअप टूर दिखाने के लिए सेटअप को सही करने की जरूरत थी, और फाइनली मुझे लगता है कि मेरा सेटअप रेडी हो चुका है ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं। और ये सेटअप 3.0 इसलिए है क्योंकि इससे पहले मेरे दो और सेटअप थे, जो पहला वाला तो खत्म हो गया, दूसरा वाला पटना में है, और ये मेरा होम टाउन का मेरा मतलब परमानेंट कंप्लीट सेटअप है, और सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला मतलब पैसा लगने वाला सेटअप यही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि क्या है, कैसे है, और मैं कैसे यूज करता हूँ। फिलहाल ये रिकॉर्डिंग हो रही है रेडमी नोट 4 से, और मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ रेडमी 3S प्राइम से। तो इसमें जितना भी चीज आपको देखने को मिलेगा इस सेटअप में, ज्यादातर DIY है, यानी कि घर में बनाया हुआ। ठीक है, तो कोई एक्सपेंसिव चीज की उम्मीद मत रखियो। तो देखो भाई लोग, ये वो कैमरा है Redmi 3S Prime जिससे मैं शूट करता हूँ फ्रंट कैमरा से। पीछे मेरा बैकग्राउंड है, अभी तुरंत दिखाऊंगा मैं उसको भी। और यहाँ देखो आप, ये एक माजा की बोतल है जिसको मैंने बोतल को कट किया था, और इसी पे मैं अपना कैमरा रखता हूँ। वैसे मेरा ट्राइपॉड खरीदा जा चुका है, बस आने वाला है, और आ जाएगा जैसे ही तो वैसे ही मैं आपको दिखा दूंगा। और भाई यहाँ देखो, ये मेरे दो छोटे छोटे अनमोल रत्न है जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ कभी कभी ऑडियो सुनने के लिए। और ये है मेरा डेस्कटॉप, बहुत पुराना है। ये है माउस, वायरलेस कीबोर्ड। वैसे जो सच बात है, मैं वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर से अब नहीं करता हूं, और वो छोटू स्पीकर रिव्यू के लिए आया है, जल्द ही रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं नीचे की, तो नीचे में आपको सबसे पहले मिलेगा मेरा ऊपर प्रिंटर, HP क्या था 2515 इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। और उसके नीचे रखी है मेरी CPU, यहां पर है मेरा UPS, और यहां पे है मेरा स्टेबलाइजर जो सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब वापस से ऊपर आते हैं, तो यहां पे आगे की ओर आपको मिलेगी दो बड़े बड़े लाइट्स। ये कैसे बनाई गई है, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी और वो आपको मिल जाएगी। टोटल LED जो अभी मैं यूज कर रहा हूं वो है 10, दो यहां पर, एक यहां पर, 3, और एक इस एंगल से 4, और बाकी कुछ नहीं है। यहां पर कुछ चीजें हैं जैसे कि मेरे दो पावर बैंक, टॉर्च, और कुछ रिव्यू के लिए जो मैंने प्रोडक्ट लाए थे उन सब के बॉक्सेस, और कुछ अपकमिंग वाले भी हैं। अब चलो इस एंगल से देखते हैं। तो ये है भाई वो जुगाड़ू चेयर जिसने कई सारी वीडियोस में मेरा सपोर्ट किया है। और ये ऊपर मेरा ग्रीन स्क्रीन है, इस ग्रीन स्क्रीन को ना मैंने ऑनलाइन खरीदा था बल्कि ऑफलाइन खरीदा था, और करीब करीब 200 रुपए का पड़ा था। ये कपड़ा है, डार्क कलर का ग्रीन है, तो आप लोग लाइट ग्रीन लेना क्योंकि डार्क ग्रीन में सही से काम नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये देखो, ये है पूरी बोर्ड की वायरिंग जो मेरे दोस्त आनंद ने की है, मतलब 90% काम उसने किया है। यहाँ पे स्विच हैं बड़े प्यारे प्यारे, और स्विच ही सबको कंट्रोल करता है। ये है मेरा हेडसेट जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ एडिटिंग के दौरान। एक बल्ब यहाँ है जो इस एंगल से पर्दे पे लाइट देता है, दूसरा वहां है, दो हो गए, और आगे मैंने आपको इससे पहले 4 दिखा दिए थे, तो 4 × 2 = 6 हो गए। एक वहां ऊपर है 7, एक यहाँ है 8, एक यहाँ है 9, और एक यहां रखा रहता है 10, जो कि इस एंगल से पर्दा पे पड़ता है। अब अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो ये सब चीजें कुछ इस तरह से दिखती हैं कि दो लाइट्स ऊपर से पर्दे पे पड़ते हैं जिससे कि पर्दा पूरा लाइट हो जाता है, बाकी फिर यहां से इस एंगल से इधर पड़ता है, उस एंगल से उधर पड़ता है, और आगे से 4 है। तो ये सब मिलके मुझे जबरदस्त लाइटनिंग देती है। और फिलहाल पहले 7 थे, अभी 10 LED बल्ब्स हैं जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बल्ब आपको 75 रुपए से 110-120 तक में मिल जाएंगे। ये है मेरा पुराना जियो का फोन जिससे मैंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी, और अभी ये हॉटस्पॉट की तरह यहाँ पे रखा रहता है, और इससे हॉटस्पॉट निकलता है और हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं। बाकी कुछ खास नहीं है यार यूज करने के लिए, तो बस हो गया, और कुछ दिखाने के लिए इसमें है नहीं। कैसे बोलता हूं अब वो देखना है, तो वो तो बहुत आसान है, उसमें कुछ खास है नहीं। बाकी बस ये जो मेरा कंप्यूटर है, ये एक पुराना सा डुअल कोर प्रोसेसर है, डुअल कोर इंटेल पेंटियम करके कुछ है, मतलब बहुत पुराना है, 2 GB की इसमें रैम है, और बहुत बढ़िया नहीं वर्क करता है अब, बट मैं वैसे भी उसको यूज कहां करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पीछे जो आप ग्रीन स्क्रीन देख रहे थे, यहां पर उसी ग्रीन स्क्रीन को मैं हमेशा यूज करता हूं एडिटिंग के लिए, और इसी से मैं बैकग्राउंड भी चेंज करता हूं। काफी बड़ी ग्रीन स्क्रीन है और मजा आता है। ऊपर देखो भाई, वो फ्लैग है हमारा, ठीक है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको थोड़ी अजीब लगी होगी, शॉर्ट में मैंने बनाई है, उम्मीद है कि पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक मारना, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को जानना है कि इस पूरे सेटअप में मैंने कितना खर्चा किया है, तो बल्ब के लिए ले लो करीब करीब 800,
वायरिंग में 200 रुपए पर्दा का, 1200 और कुछ खर्चा नहीं किया है। अगर आप चाहो तो मिनिमम 2 बल्ब से भी शूट कर सकते हो या फिर नेचुरल लाइट से भी शूट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट मैटर करता है, ना कि आपके कंटेंट बनाने का तरीका।